यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। अगर मार्केट में अभी तेजी की बात करें तो रियल एस्टेट सेक्टर में काफी गजब की तेजी है। रियल एस्टेट सेक्टर निवेशकों को काफी मोटा मुनाफा अभी कमा कर दे रहा है। आप भी रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश कर सकते हैं। अगर बात करें रियल एस्टेट सेक्टर में तो काफी बेहतरीन ब्रेकआउट यहाँ पर हो सकता है। अगर ये रियल्टी इंडेक्स 425 को अगर यहाँ पर ब्रेक करता है, क्योंकि पिछले दिन काफी जबरदस्त तेजी देखने मिला और जो ये पैटर्न है पूरी तरह से बुलिश पैटर्न है, तो बुलिश पैटर्न में अगर ये ब्रेकआउट यहाँ पर होता है तो फिर 425 के ब्रेकआउट के बाद ये 500 नेक्स्ट टारगेट होगा। अगर रियल्टी सेक्टर के स्टॉक की बात करें तो ओबराय रियल्टी काफी गजब की तेजी और काफी जबरदस्त ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पर। ओबराय रियल्टी की फंडामेंटल्स की बात करें 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है और यहाँ पर जो कंपनी का डिविडेंड यील्ड है जीरो है। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 67.7%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट इक्विटी देखिए मात्र 0.16। तो दो कंसर्न जो आपको रियल्टी सेक्टर में देखने मिलेगा, डेट काफी ज्यादा होता है लेकिन यहाँ डेट इक्विटी काफी कम है, मात्र 1,534 करोड़ का डेट है और कंपनी के पास रिजर्व 9,000 करोड़ का है, जबकि नेट प्रॉफिट जो एनुअल है 792 करोड़ का है। तो काफी कम डेट है कंपनी के ऊपर, मतलब फंडामेंटली स्टॉक काफी बेहतरीन है। तो आप इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं और जबरदस्त का ब्रेकआउट भी हुआ है इस स्टॉक में। दूसरे स्टॉक बात करें गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक है, इसमें ब्रेकआउट होना अभी बाकी है। अगर ये स्टॉक 1700 के ऊपर क्रॉस करता है तो यहाँ पर जबरदस्त ब्रेकआउट होगा जो कि इंडेक्स को रियल्टी इंडेक्स को काफी ऊपर लेकर के जाएगा। यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं क्योंकि ये स्टॉक अभी भी काफी अंडर वैल्यूड है। साथ ही साथ ये स्टॉक भी काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। मार्केट कैप की बात करें 43,000 करोड़ का है। डिविडेंड यील्ड की बात करें जीरो है, तो इस सेक्टर में आपको डिविडेंड यील्ड काफी कम देखने मिलेंगे और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी काफी कम देखने मिलेंगे, डेट काफी ज्यादा देखने मिलेंगे। लेकिन इस कंपनी के ऊपर डेट देखिए, यहाँ पर डेट टू इक्विटी की बात करें तो 0.55 है, मतलब काफी कम डेट है। जो इक्विटी है उसका हाफ से थोड़ा सा ज्यादा डेट है। टोटल डेट की बात है 4,500 करोड़ का डेट है, जबकि रिजर्व देखिए 8,000 करोड़ का है और कंपनी यहाँ पर थोड़ा सा इस ईयर जो है लॉस फेस की है, लेकिन फंडामेंटली काफी सॉलिड स्टॉक है। क्योंकि प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें देखिए कंपनी गजब का प्रॉफिट ग्रोथ दिखाया, फिर सिर्फ दो साल से, पिछले दो ईयर से, दो फाइनेंशियल ईयर से कंपनी लॉस में है लेकिन कंपनी ओवरऑल फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद जो तीसरा स्टॉक है वो है प्रेस्टीज ईस्टेट, ये भी स्टॉक काफी बेहतरीन है, ये रेसिस्टेंस लेवल के पास है, ये भी स्टॉक जबरदस्त ब्रेकआउट यहाँ पर दे सकता है। ब्रेकआउट दे चुका था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, तो अगर ये 377 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप इसमें निवेश कर सकते हैं। अगर प्रेस्टीज ईस्टेट के बात करें फंडामेंटल्स का, 14,000 करोड़ का मार्केट कैप है, डिविडेंड यील्ड 0.40% का डिविडेंड यील्ड है जो कि काफी शानदार है। प्रमोटर्स होल्डिंग 65.5% है, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। डेट इक्विटी काफी कम है 0.54। टोटल डेट की बात है 3,611 करोड़ का है, जबकि रिजर्व 6,000 करोड़ से भी ज्यादा का है और नेट प्रॉफिट 1,500 करोड़ का है। तो देखिए ये स्टॉक भी फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसके साथ जा सकते हैं। वहीं चौथा स्टॉक है शोभा रियल्टी, ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक, ये भी रेसिस्टेंस के पास है, रेसिस्टेंस को क्रॉस किया था, सस्टेन नहीं कर पाया। तो अगर ये स्टॉक 690 के ऊपर सस्टेन करता तो आप इसके साथ जा सकते हैं। ये स्टॉक आपको नेक्स्ट 800 तक का टारगेट दे सकता है, तो काफी बेहतरीन यहाँ पर ब्रेकआउट होगा क्योंकि ये ब्रेकआउट वॉल्यूम सपोर्टेड है। तो बस 690 के ऊपर सस्टेन करता है तो आप इस स्टॉक में निवेश कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। कंपनी के फंडामेंटल्स का तो देखिए, कंपनी का मार्केट कैप है 6,500 करोड़ का और डिविडेंड यील्ड 0.51% है। डिविडेंड यील्ड की बात करें 0.51% का डिविडेंड यील्ड है जो कि काफी शानदार है क्योंकि इस सेक्टर में आपको डिविडेंड यील्ड काफी कम देखने मिलते हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें 52% का है। शेयर प्लेज की बात करें 20.3% शेयर प्लेज है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न है कि जो शेयर है उसका ज्यादातर शेयर प्लेज है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर प्लेज परसेंटेज और बढ़ता है तो फिर आपको इस स्टॉक में निवेश नहीं करना चाहिए। डेट इक्विटी भी काफी ज्यादा है, 1.26 का डेट टू इक्विटी रेशियो जो कि काफी ज्यादा है क्योंकि और सारे स्टॉक में डेट टू इक्विटी काफी कम देखने मिला हमें। टोटल डेट की बात है 3,052 करोड़ का है और रिजर्व 2,300 करोड़ का। तो ये स्टॉक थोड़ा सा, मतलब जो यहाँ पर कंसर्न है शेयर प्लेज है, डेट टू इक्विटी काफी ज्यादा है। नेट प्रॉफिट की बात है 66 करोड़ का है, तो आप चाहे तो इस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं।
अगला जो स्टॉक है वो है डीएलएफ। डीएलएफ ये भी काफी बेहतरीन स्टॉक, देखिए पैटर्न भी काफी बुलिश है, तो यहाँ पर स्टॉक अगर आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी भी ये स्टॉक काफी अंडर वैल्यूड है, अगर ये 360 के ऊपर निकलता है तो फिर ये आपको 400 और फिर 500 तक का टारगेट दिखा सकता है। अगर बात करें इसे फंडामेंटल्स का तो मार्केट कैप 82,000 करोड़ का है, मतलब एक लार्ज कैप और वेल एस्टेब्लिश कंपनी है। डिविडेंड की बात करें 0.60% का है, अच्छा खासा डिविडेंड है, मतलब रिलेटेड सेक्टर में जो भी स्टॉक मैंने देखा उसमें सबसे ज्यादा इसका डिविडेंड है। और प्रमोटर्स होल्डिंग 75% है, कोई भी शेयर प्लेज भी नहीं है। डेट इक्विटी भी काफी कम है, 0.19 का है, तो काफी कम डेट है कंपनी के ऊपर। टोटल डेट की बात है 6,500 करोड़ का है, जबकि रिजर्व 34,000 करोड़ का, तो कंपनी फंडामेंटली काफी सॉलिड है। और नेट प्रॉफिट 1,500 करोड़ का, नेट प्रॉफिट भी काफी जबरदस्त है। तो ये पांच बेहतरीन स्टॉक थे जिसमें आप निवेश कर सकते हैं अगर शॉर्ट टर्म में निवेश करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्टॉक काफी वोलेटाइल होते हैं। किसी भी शेयर प्राइस का अगर आप चार्ट देखेंगे तो वो काफी वोलेटाइल है, देख सकते हैं कि इस सेक्टर के जो स्टॉक है वो काफी वोलेटाइल होते हैं। लॉन्ग टर्म में आपको शेयर प्राइस में काफी गिरावट भी देखने मिल सकता है, तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसके साथ जाएं और स्टॉप लॉस अपना जरूर मेंटेन करें, क्योंकि जब तक तेजी रहता है सेक्टर में तब तक सारे के सारे स्टॉक जबरदस्त रिटर्न आपको देता हुआ देखने मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और जो भी स्टॉक में आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो गिरावट का वेट कीजिए, जब कोई बड़ी गिरावट आती है किसी स्टॉक में जो फंडामेंटली काफी सॉलिड है तो उस स्टॉक में आप निवेश कीजिए, तब लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। अभी शॉर्ट टर्म के लिए आप स्टॉप लॉस के साथ अपना निवेश कर सकते हैं। ऐसे ही बेहतरीन और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।